नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में हम आपको दिखाते हैं चमत्कारी टोटके, चमत्कारी उपाय, कुछ सरल उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तकिए के नीचे चुपचाप ये रख कर सोया करें और सफलता कदम चूमने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप बिजनेस करते हों, आपके लिए कुछ आसान से टोटके लेकर आए हैं हम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तकिए के नीचे ऐसा क्या रख कर सोएं कि सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अच्छी नींद अगर मिलती है तो आपका पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक और ऊर्जावान बीतता है। अगर वहीं आपकी नींद रात को अच्छे से नहीं बीत रही है और आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं तो अगला दिन आपको सुस्ती आती रहेगी और आपका मन किसी भी काम में नहीं लग पाएगा। तो अच्छी नींद हमारे लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को रात को डर लगता है और नींद अच्छे से नहीं आती, उनके लिए ये टोटका है कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करके रात को सोना चाहिए और हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर या फिर हनुमान चालीसा की छोटी किताब लेकर अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि उनको नींद भरपूर आएगी और उनकी रात आसानी से अच्छे से कट जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप हनुमान चालीसा की किताब की जगह दुर्गा सप्तशती की किताब भी अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, इन किताबों को अपने तकिए के नीचे रखने से आपको अपने आप में एक बदलाव जरूर दिखाई देगा। अगर आप थोड़े भी आलसी हैं और आपका उठने का मन नहीं करता या आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती तो इन दोनों किताबों को अपने तकिए के नीचे रखने से आपको असर जरूर दिखाई देगा। आप दोनों में से कोई भी एक किताब अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है या आप खुद भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको रात को भयानक सपने आते हैं और उसके अलावा आपको इसकी वजह से नींद नहीं आती, तो आप एक टोटका कर सकते हैं। इसमें आपको अपने तकिए के नीचे एक साबुत मूली रखकर सो जाना है। ये साबुत मूली को आपको काटना नहीं है, सिर्फ आपको इसे अपने तकिए के नीचे रखना है और सुबह उठकर नहाने के बाद इसे शिव जी के मंदिर में जाकर दान कर दें। दोस्तों, ऐसा आपको एक हफ्ते तक करना है और हमारा यकीन मानिए कि आपको इससे असर जरूर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप जानते हो तो ये बात भी सच है कि कई बार जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर जब बच्चों की परीक्षा सिर पर होती है तो वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनके एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर वो पास हो पाएंगे। तो फिर इन बातों से बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट को नियमित पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ें जो आपको आसानी से याद नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन टॉपिक्स को भूल जाएंगे तो उन्हें जितना हो सके लिख कर याद करें। इसके अलावा दोस्तों, एक चमत्कारी टोटका है जिसे आप अपना सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका अगले दिन होने वाला है उस किताब को अपने तकिए के नीचे रख कर सोना है। दोस्तों, ये एक चमत्कारी टोटका है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनको अपने सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ चमत्कारी उपाय जो कि आप अपना सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हमारे इन उपायों को अपना कर आपको कितना लाभ मिला, आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ ज़रूर उठा पाएं। चमत्कारी उपाय, चमत्कारी टोटकों के लिए देखते रहिए चमत्कारी टोटके चैनल।